हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ स्टोरवास टैबलेट के बारे में। इसको मैन्युफैक्चर करती है सन फार्मा और प्राइस की बात करें तो 220 रुपये के आसपास मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं स्टोरवास टैबलेट किन किन समस्याओं में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, इसको ली जाने वाली डोज क्या है और साथ ही जानेंगे इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। दोस्तों इस टैबलेट में मौजूद साल्ट की बात करें तो वो है एटोरवास्टाटिन। ये स्टेटिन नामक दवाओं के वर्ग से संबंधित है। ये टेबलेट करती क्या है कि खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल के स्तर को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल के स्तर को बढ़ाती है। कोलेस्ट्रॉल वसा युक्त होता है जो रक्त वाहिकाओं में बनता है, जो संकुचन का कारण बनता है। कोलेस्ट्रॉल के कारण दिल का दौरा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये टेबलेट हृदय संबंधी समस्याओं के खतरे को कम करती है। तो ये दोस्तों बात कर लेते हैं स्टोरवास टैबलेट की डोज क्या है। इस टैबलेट को दिन में एक बार ही लेने की सलाह दी जाती है, जिसे आप खाना खाने के बाद या फिर खाना खाने के पहले भी ले सकते हैं। लेकिन इस टैबलेट को हर दिन एक ही समय पर लेना सही रहता है, जिसे आप निश्चित समय पर लें। और दोस्तों इस टैबलेट को लंबे समय तक लेने की सलाह दी जाती है और लंबे समय तक लेना सुरक्षित भी है। इस टैबलेट को आपको एकदम नहीं रोकना है, नहीं तो समस्या बढ़ भी सकती है। आप हमेशा इस टैबलेट को डॉक्टर की देखरेख में ही लें। और दोस्तों ये भी ध्यान दें कि आप इस टैबलेट को लेते समय शराब का सेवन नहीं करें। प्रेगनेंसी और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में ये टैबलेट असुरक्षित मानी जाती है, इसलिए आप इसे बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लें। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं स्टोरवास टैबलेट से होने वाले कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इस टेबलेट को लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा पेट फूलना, अपच, पेट दर्द और सिर दर्द की समस्या भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों ये साइड इफ़ेक्ट भी हर किसी को नहीं होते हैं, शुरुआती दिनों में महज कुछ मामलों में ही देखे जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।